शनिवार को राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने पत्र परिषद कर सोनिया गांधी द्वारा उद्धव ठाकरे को SC/ST स्कीम पर जो पत्र भेजा गया था उस पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है और उनका मार्गदर्शन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय समुदाय के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन करने समेत 4 सूत्रों की पहल की जाए, जिसकी जानकारी पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी HK पाटिल ने शुक्रवार को दी। इसी मुद्दे पर राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने पत्र परिषद कर अपने विचार व्यक्त किए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यह वर्ष जो है हमारे लिए अनोखा वर्ष साबित हुआ है। जैसे ही हमने शपथ विधि ली और काम हमारा चालू किया तो यहाँ कोरोना शुरू हुआ और कोरोना के वजह से हमें विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। पिछले 8-9 महीने से हम कोरोना महामारी के साथ महायुद्ध करते हुए इसको महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो जनता है उस जनता का स्वास्थ्य कैसा ऊंचा रह सके, अच्छा रह सके और कम से कम मौत कैसी हो, उस दिशा में काम कर रहे थे। जब इसी दरमियान एक निसर्ग साइक्लोन आया तुम्हारे कोकण में, इसी दरमियान अलग अलग समय पर गैर समझ पर बरसातें हुई है और कई बाढ़ भी आई है। इस दौरान राज्य ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जब से महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ है तब से कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदाओं पर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है, जिसके चलते अनेक मुद्दे पर काम करना रह गया है जिस पर जल्द ही काम किया जाएगा। नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी की स्थापना होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करके आदरणीय उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे ये मुख्यमंत्री बने। उनके शपथ विधि के साथ जिन मंत्रियों का शपथ विधि हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन्होंने अध्यक्ष होने के नाते देख दलित करके मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने वहाँ मंत्री पद देकर यह दिशा देने का महाराष्ट्र को प्रयास किया कि हम दलित और आदिवासियों के साथ आज भी खड़े हैं। और जो कल हमारी अध्यक्षा ने पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी को जो लिखा वो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी ऐसा पत्र मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो सोशल एजेंडा है वो कांग्रेस का सोशल एजेंडा किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस दिशा में यह पत्र था। पहली बात तो उन्होंने इसमें कही कि कांग्रेस पार्टी के जो दिशा निर्देश इसके पहले जब सरकारों में थे वो इस प्रकार के थे कि दलित आदिवासी घटक के लोगों को भारतीय संविधान के तहत बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। राज्य ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने जिस तरीके से पत्र परिषद में कहा कि कोरोना की वजह से अनेक कार्य धीमी गति से चल रहे हैं वो कोरोना के बाद निश्चित ही पूर्ण होंगे, तो अब ये देखना होगा कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देती है या नहीं।